हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फूडी मम। आज हम सीखेंगे पालक की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी जो कि मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो आइए उनसे सीखते हैं हम पालक की रेसिपी। आज आप बताएंगे हमें पालक की एक अनोखी रेसिपी। तो हम स्टार्ट करें इसे बनाने। तो पहले क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी पालक लिया है जिसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं रह गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे मम्मी? इसमें कुकर में पानी डालेंगे। इस कुकर में हमने पानी डालेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे कितना पानी डालना है हमें? ये 2 गिलास पानी डालना है। ओके, 1 गिलास डल गया है। अब ये दूसरा गिलास भी इसमें गया। उसके बाद हमें इसे क्या करना है? अब इसमें हमको पालक डालना है। ओके, पालक ऐसे ही डालना है। आप चाहो तो कट करके भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ ऐसे ही इसे डाल रही हूँ। अब इसमें पालक को डाल दिया है, तो अब हम इसमें 2 टमाटर काट करके डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 2 टमाटर डाल दिए। मम्मी, टमाटर डालने से क्या होगा? इसमें खट्टापन आएगा। हाँ? और इसमें टेस्ट आएगा। अच्छा अच्छा, टमाटर। तो यहाँ टमाटर डल गया मम्मी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या डालना है मम्मी? इसमें हींग डालेंगे हम। ओके, तेज पत्ता डालेंगे। ओके, तो फिर पहले हम यहाँ पे हींग डाल देंगे बस। और नहीं, और अब हम एक तेज पत्ता डालेंगे। एक तेज पत्ता डाल दिया और नमक डालेंगे। ओके, अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है। और इसको बंद करेंगे अब। अच्छा, अब हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। और इसे हमें कितने सीटी लगाना है इसमें? इसमें 3 सीटी लगाना। ओके, तो अब हम इसमें 3 सीटी लगाने तक वेट करते हैं। 3 सीटी लग चुका है और अब ये ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे खोल कर देखते हैं। खोलिए हमें। ये तैयार हो गया है। ये तो तैयार हो गया है। पालक अच्छे से गल गया है। तो अब हमें इसे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब इसको पिसेंगे मिक्सी में। तो पहले हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट लेना पेस्ट है, फाइन पेस्ट बना लेना है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं। मम्मी, आप इसे निकाल कर इसमें दे दो। इसको निकालो पालक को निकाल लेंगे, पानी कुकर में रहने देंगे। ये बोलो, ये जो पानी बचा है इसको इसमें हम पालक को पेस्ट बना के इसको इसी में डालना है, पानी में फेंकना नहीं है। ये आगे यूज होगा। चलिए देखते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें से ये तेज पत्ता हम हटा के वापस से हम ये पानी में ही डाल देंगे। और चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब ये रेडी हो गया है। अब इसको हम पानी इसी पानी में डालेंगे और इसको मिक्स करके इसमें छौंक डाल देंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है पानी में और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब चलिए हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो मम्मी, तड़का के लिए हम यहाँ पे क्या क्या लिए हैं? ये 8-10 लहसुन लिए हैं। ठीक है, ये 2 मिर्ची लिए हैं। ठीक है, और ये 5 फोरन लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम तड़का डालेंगे। ठीक, तो अब तड़का पैन में हम 2 चम्मच के करीब तेल लेंगे। सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें इसको थोड़ा हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें 5 फोरन डाल देंगे। फिर 2 लाल मिर्च, लहसुन डाल देंगे। इसको बीच बीच में चलाकर अच्छे से पका लेंगे। अब ये रेडी है, तो अब हम इसे कुकर में डाल देंगे, इसका तड़का लगा देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तड़का हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो पालक की ये स्वादिष्ट रेसिपी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे चावल, रोटी, जो भी चीज आपको पसंद है, आप उसके साथ इसे एंजॉय करें। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज हमने सीखा है मम्मी से, जो कि बच्चे, बूढ़े, सबके लिए ये बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी है। तो आप इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। इसमें मसाला का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, तो इसे आप अपने बच्चों को बिल्कुल दें, जिससे कि एक हेल्दी डाइट उन्हें मिलेगा, क्योंकि बच्चे अक्सर हरी सब्जियां खाने में बहुत कतराते हैं। तो आप इसे इस तरीके से बना के दोगे तो वो इसे जरूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू मम्मी फॉर शेयरिंग दिस यम्मी रेसिपी। तो अब हम इसे सर्व करते हैं और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।